नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जोरों से लग गई है और इसी के तहत झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी नंदकिशोर यादव रांची पहुंचे, जिनका स्वागत एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया। वहीं नंदकिशोर यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ झारखंड में हो जाएगा। खबरों में आगे बात करेंगे झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में लग गई है और इसी के तहत झारखंड पार्टी और इंडियन मुस्लिम लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 81 विधानसभा सीटों पर 7 चुनाव लड़ने की बात कही। अब हम लोग इस गठबंधन के माध्यम से समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे और पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीट में तीसरे विकल्प के रूप में हम लोग जनता के सामने आएंगे। जो यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगी, उनके राजनीतिक अधिकार की सुरक्षा करेगी, उनके जल जंगल जमीन की सुरक्षा करेगी। 10 मार्च 1948 को कायम हुई थी। कादी मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे पहले सदर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। आज़ादी के बाद ये कायम हुई तो इनकी पार्टी भी 5 मार्च 1949 को कायम हुई। 5 मार्च 1949 को झारखंड पार्टी, हम दोनों ही पार्टी बहुत पुराने हैं, आज़ादी के फौरन बाद की पार्टी है, लेकिन हम दोनों आज की जो पार्टीज हैं, जो सेंट्रल पार्टीज हैं, उनसे परेशान हैं। अल्पसंख्यकों के साथ वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारी भी ये मांग है जल जंगल और ज़मीन की, उससे उनको वंचित किया जा रहा है। हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और परेशान हाल जनता के साथ है। हम एक मजबूत विकल्प के तौर पर, सभी पार्टी को देखा जा चुका, मजबूत विकल्प के तौर पर हम इलेक्शन में जाएंगे। और हम लोग अभी जो दो पार्टी मिली है और भी प्रयास कर रहे हैं, बातें चल रही हैं दूसरी पार्टियों से, छोटी पार्टियों से भी, जो मिल करके एक तीसरे मोर्चा का गठन हो रहा है। अभी 81 सीटों से जो हम लोग लड़ रहे हैं तो हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेगा और कौन कितनी सीटों से लड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा बैठक अपर सचिव रमाकांत की अध्यक्षता में की गई। समीक्षा बैठक में 19 मामलों की सुनवाई हुई, सभी मामलों का सचिव ने निष्पादन किया। कुल 19 मामले आज जनसंवाद में थे जिसकी समीक्षा की गई और 2 जिला से हम लोग का संपर्क नहीं हो सका लिंक फेल हो जाने के कारण। ऑलमोस्ट करीब करीब सब जिले में अच्छे कार्रवाई हो रही है और एवरेज हम लोग का लगभग अभी 90% कंप्लायंस है और 10% पेंडिंग चल रहा है। कई कई जिले में 5% पेंडिंग है और कुछ में 14% तक पेंडिंग है, लेकिन ओवरऑल सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं, कंप्लायंस भी काफ़ी चल रहा है। नहीं, वो एक इशू आ गया है कि मजदूरी का पैसा उसमें मनरेगा के तहत दिया जाना था तो बीच में ही वो भारत सरकार द्वारा संभवतः ये योजना बंद कर दी गई। तो अभी हम लोग को या मेरे पास भी बहुत विस्तृत इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम लोग बोले हैं कि उस संबंध में विस्तृत जानकारी ले करके फिर सरकार स्तर पर इस पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि हर जिले से ये मामले आ रहे हैं और हर जिले से मामले हैं तो सरकार इस पर अपने स्तर से निर्णय लेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जगन्नाथपुर थाना के इंचार्ज अनूप कुमार पर वार्ड पार्षद पप्पू सिंह ने घुसखोरी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अनूप कुमार किसी भी मामले पर कार्रवाई के लिए घूस लेते हैं और इसी को लेकर पप्पू सिंह ने थाने में प्रदर्शन कर अनूप कुमार को निष्कासित करने की मांग की है। अभी हमारे जो पूर्व पार्षद थे उनके पति का एक गाड़ी पकड़ा गया था और वो उनका अथक प्रयास के बाद वो पता चला कि बिहार के किसी जगह पे वो गाड़ी को रिकवर वो खुद ही कराएं, और इसका रिलीज ऑर्डर कोर्ट से मिलने के बाद भी आज 1 साल होने जा रहा है, उस गाड़ी को वापस नहीं लाया गया। और जब भी वो आते हैं, उनका कहना था कि जब भी वो आते हैं गाड़ी के विषय में बात करते हैं तो थाना प्रभारी बोलते हैं
कि हमको 25,000 रुपया थाना से बोला जाता है कि 25,000 रुपया दीजिएगा तो गाड़ी आएगा आपका, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं जब से ये इस थाना का कमान संभाले हैं। यहाँ का आप पता कीजिएगा, यहाँ का तमाम जनता से पता कर लीजिए, मतलब यहाँ पे ये थाना नहीं है, ये जो यहाँ का नागरिक के लिए जो बनाया जाता है यहाँ का थाना को कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो हम आपको बतलाते हैं कि यहाँ बिना पैसा का कोई काम तो होता नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजभवन के समक्ष 5 अगस्त से धरने पर बैठे पंचायत समिति महासंघ ने सरकार पर उनके अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के द्वारा उन्हें चुना गया है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अभी तक किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला है जिससे वो जनता की सेवा कर सके। धरने पर बैठे समिति के सदस्यों की मांगों को अगर जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो आत्मदाह करेंगे। रीमा सिंह हम लोगों से मिलने तो आई, लेकिन वो जो आश्वासन देना था वो सही नहीं दी। वो उनका कहना है कि आप 1 महीना का समय दो, जब हमने उनको 44 महीना का समय दिया तब उनको होश नहीं आई, और आज कहते हैं कि आप 1 महीना का समय दो। हम क्यों 1 महीना का समय दें? 44 महीना में उनको कोई होश नहीं था कि पंचायत समिति सदस्यों को क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, जबकि हम लोगों को 32 साल के बाद में चुनाव होने के बाद में पहला चुनाव होने में जो हम लोग को मिला था फंड मिला हुआ था, और फंड के अलावा आज तक कोई फंड नहीं मिला है। मनरेगा के तहत जो भी योजनाएं क्रियान्वयन ब्लॉक स्तर से होना चाहिए वो प्रमुख पंचायत समिति को अधिकार मिले, TADA भत्ता बढ़ाया जाए, 750 रुपया जो एक 750 रुपया पंचायत समिति को मिलता है वो 750 रुपया अब कैसा ये मानदेय हम लोग को मिल रहा है झारखंड के जनप्रतिनिधियों को, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे झारखंड में 7.5 आज भी वृद्धा पेंशन हमारे 1,000 हो गया और जनप्रतिनिधियों को मिलता है 750, और पूरे क्षेत्र का भ्रमण पूरे क्षेत्र के लोगों को देखना जाना आना कैसे कार्य करे क्षेत्र में, ना कोई फंडिंग है ना कोई वित्तीय पावर है, ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है। तो अभी हम लोग धरना के बाद अनशन कर ही रहे हैं, तो अगली रणनीति में तो हमारा ये है कि पहले तो 15 अगस्त को झंडोत्तोलन हम लोग यहाँ करेंगे, साथ ही उसी तिथि को रक्षाबंधन भी है। सभी अपने अपने भाई बहनों को यहाँ पे आमंत्रित किए हैं हम लोग, और रक्षाबंधन भी यहाँ करेंगे। और इसके बाद भी सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो जैसा कि हमारी सम्मानित प्रमुख महोदया खूटी ने बताया कि अगर सब लोगों का निर्णय हो जाता है तो हम लोग लास्ट में जो है सामूहिक आत्मदाह करेंगे। जब इस सरकार में हम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है और संवैधानिक पद पर बैठ करके जब हम खुद अपने लिए न्याय नहीं ले सकते हैं तो फिर ऐसे राज्य में जो है सो कि हमको जीने का कोई अधिकार नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने बनाई कई लोगों की जिंदगी। कई ऐसे लोग हैं जो कई अच्छे काम करते हैं लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया लोगों को मुकाम देने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। महिलाओं के उत्थान के लिए सभी बात तो करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे अमली जामा तक पहुंचा पाते हैं। हम बात कर रहे हैं दो महिलाओं की जिन्होंने फेसबुक ग्रुप के माध्यम से कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी। जी हाँ, रांची की रहने वाली रिंकू अग्रवाल और श्वेता बंका की, जिन्होंने फेसबुक ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू की है, जिसके तहत अभी तक 10,000 महिलाएं इस ग्रुप से जुड़ गई हैं और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते जा रही हैं। वुमेन, आज हम लोग लेडीज लोग हैं जो लोग हर तरह से कोशिश कर रही हैं कि हम आगे बढ़े काम करें, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो ये पिंक पेपल्स ये प्लेटफॉर्म दे रही है हर महिलाओं को जो कि उनको आगे बढ़ाने में हर तरह से उनकी मदद कर रही है और उनको बहुत ऊंचाई तक लेके भी जाएगी। पिंक पेबल्स का फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पिंक पेबल स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले जो कि श्वेता और मैंने स्टार्ट किया था। इसके पीछे सोच थी कि रांची की और इनफैक्ट झारखंड की सारी लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे उनके जो टैलेंट है और उनका जो भी इनिशिएटिव्स है, कुछ लोगों का बिजनेस है, सलॉन्स है, और उनको मौका नहीं मिलता है कि वो उसको बढ़ा सकें या उसको कैसे एडवर्टाइज़ करना है,
तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ वो सब साथ में आकर एक दूसरे की हेल्प कर सकें टू ग्रो। ऑल्सो बहुत सारी चैलेंजेस होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनका उन्हें जवाब नहीं मिल पाता है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उनको वो जवाब पाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट किया था हमने ये दो लोगों से, अभी ये कम्युनिटी 10,000 लोगों इनफैक्ट एवरीडे बढ़ रही है। अभी हमारे पास कुछ 10,500 लेडीज़ ऑलरेडी हैं इस कम्युनिटी में और एवरीडे सो मेनी पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड। देयर इज़ अ लॉट विच इज़ हैपनिंग इन द कम्युनिटी एंड टुडे वी हैव असेंबल्ड टू टॉक अबाउट व्हाट नेक्स्ट वी वांट टू यूटिलाइज इट। बहरहाल फेसबुक तक ही नहीं सिमटा है ये ग्रुप। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन निजी होटल में किया गया जहाँ सभी महिलाओं ने शिरकत की और अपने विचारों को महिलाओं ने एक दूसरे के साथ साझा किया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये फेसबुक ग्रुप कितना कारगर साबित होता है। सनमार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करेंगे, अंडर 19 एशिया कप खेलकर रांची पहुंचे सुशांत मिश्रा का रांची एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर सुशांत मिश्रा का उनके परिजनों और आम लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान सुशांत के जो परिवार वाले थे वो काफ़ी खुश दिखाई दिए। दिन को और हमारे स्कूल के प्राचार्य मैडम है हमारे साथ, तनुजा पानीगिरी मैडम। ये बच्चा हमारे पास क्लास 6 से क्रिकेट सीख रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में भारतीय टीम का सदस्य रहेगा और भारत की तरफ से खेलता रहेगा और ये रांची एक खिलाड़ी एक दिन रांची का नरेश बनकर उभरेगा हमारे लिए। और आने वाले दिनों में जैसे कि आगामी सितंबर में आप देख सकते हैं कि एशिया कप होने वाला है, इस जो टूर्नामेंट में जो इंग्लैंड से भी लौट कर ये आ रहा है, पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर के रूप में जाना गया है। इसकी एवरेज 18.45 की रही है। टोटल इसने 11 विकेट लिए थे, फाइनल मैच में इसने 2 विकेट लिए, 1 मैडन दिए। शानदार परफॉर्मेंस था इसका और इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते कि बहुत कम समय में ये भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा बनने वाला है। देखिए तो सही स्वाभाविक रूप से किसी भी गार्जियन के लिए बहुत ही बड़ा मतलब अनुभव होगा ये कि एक बच्चा हमारा खेल रहा है, भारत के लिए खेल रहा है और भारत का नाम आगे बढ़ाते जाएगा और डे बाई डे और आगे बढ़ता जाए, यही एक शुभकामना है हमारी तरफ से भी। और इसी तरह से खेलते रहे और कभी मेन टीम में आए, मेन स्ट्रीम में, वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे जी। तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।